आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आप सभी को पता है 15 दिसंबर से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कल रेल मंत्री और रेलवे के चेयरपर्सन ने बताया। तो मंगलवार को शाम को 7 बजे ना सॉलिड स्ट्रैटेजी वीडियो एनटीपीसी का मैं आप सभी को दूंगा कि आपको चलना कैसे बिना किसी प्रेशर के, टेंशन के, बहुत स्मूथली पढ़ना है, एक एक टॉपिक पर कमांड लेकर आना है। मैं पूरा आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा शाम को 7 बजे मंगलवार को, ठीक है। चैनल के ऊपर जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी का ना छूटे और हर एक क्लास जो है आप लोग अटेंड कर पाए। कवर करेंगे हम सभी 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है। और एक बात, टारगेट लेकर चलो ना एनटीपीसी के लिए। देखो पढ़ना तो आपको 19 से भी करंट अफेयर है, लेकिन जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 2020 का, और उसमें भी सितंबर महीने से तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3-4 महीने करंट अफेयर सबसे ज्यादा एग्जाम में बन रहे हैं। तो यहां पर आप बिल्कुल लाइटली मत लेना, दिल से पढ़ना लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर। रिवीजन पूरा कराऊंगा, लेकिन इस 3 महीने पर विशेष ध्यान होना चाहिए। और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज के जितने भी भवन है ना उसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? और इसका उद्घाटन किया गया है आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक बात, ये जो उद्घाटन किया गया ये कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? तो आप सभी को पता है झांसी से। तो वहीं पर ये कॉलेज जो है, विश्वविद्यालय जो है वो खोला गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है आपका? योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। लोकसभा सीट आपका कितना है? 80। और राज्यसभा सीट 31। ये जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप सभी को करवा रहा हूं ना, इस पर आप विशेष ध्यान देना। 4 से 5 क्वेश्चन आपका बस यहीं से बनेगा आपके एग्जाम सामने है। किस हवाई अड्डे ने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कौशल इकाई का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है, किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो वो हवाई अड्डे का नाम है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है आपका मिंत्रा। आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट के ऊपर हर एक सामान मिलता है, और मिंत्रा के ऊपर जितने भी फैशन के सामान होते हैं, कपड़ा, जूता, चप्पल, वो कहाँ मिलता है? वो मिंत्रा पर मिलता है। तो अब क्वेश्चन यह बताना है, मिंत्रा के अगले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है? तो इनका नाम क्या है आपका? कायरा आडवाणी। अगर आपने कबीर सिंह देखा होगा ना तो उसमें आप पहचान गए होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। हालांकि मैंने देखा ही नहीं है कबीर सिंह, क्योंकि ये सब मूवी ना देखो अच्छी हो सकती है, सबका अलग अलग थॉट होता है, लेकिन ये सब मूवी क्या है, लोगों को डीमोटिवेट करता है। तो ये सब मूवी कम से कम देखने से बचना। अब आपका च्वाइस है, इस पर कोई रोक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इनका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा शिक्षा दिया है बच्चों को, इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए आपका रूही सुल्ताना को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित बोट जो है आपका उसका नाम बताना है जो COVID-19 के रोगियों को भोजन और दवाई देने के लिए दूर से चिकित्सा ट्रॉली को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये देख पा रहे हो ये वाला सीन, यही वो आपका
बोट है, यही सिस्टम है। इसका नाम क्या दिया गया? मेड बोट, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब दूर से ही ना, ये ट्रॉली है, अगर आप धक्का मारोगे रिमोट से चलेगा। अब आपको जितने भी कोविड 19 के पेशेंट है, जितने भी रोगी है ना, अब उनके नजदीक जाना नहीं पड़ेगा दवाई के लिए, भोजन के लिए या फल के लिए। यह जो है अब ये डायरेक्ट जो है वो रोगी तक पहुंच जाएगा। और ये मेड बोट जो ये बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है चाइनीज का एक ब्रांड था कैम स्कैनर, जिससे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन होता था, पीडीएफ वगैरह। लेकिन भारत सरकार के निर्णय के बाद यह पूरी तरह से क्या हो गया है? पूरी तरह से बैन कर दिया गया है भारत में। अब मेड इन इंडिया एक स्कैनर बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है एयर स्कैनर। इसको किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। देख पा रहे हैं ना, आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट डेवलप एयर स्कैनर एप्लीकेशन पावर्ड बाय एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। और नीचे में देखो हल्का सा लिखा है मेड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 के सूची में स्थान पाने वाली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो बचपन से देखते आ रहे, इसी को देखते देखते बड़े भी हुए, कौन कंपनी है ये? इस लड़की को देखते देखते, इसका नाम क्या है आपका इस कंपनी का? तो अमूल, आप सभी जानते होंगे। तो अमूल को जो है वो स्थान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट कमजोर होने के कारण, इंटरनेट का डिसकनेक्ट होने के कारण और सर्वर में प्रॉब्लम आने के वजह से 2020 का शतरंज यहां पर दो बार हो गया, शतरंज में संयुक्त रूप से किन दो देशों को विजेता घोषित किया गया है? फाइनल में ना प्रॉब्लम आ गया था इंटरनेट के कनेक्शन में और आपका सर्वर में। और आप सभी को पता है चेस जो है वो वर्चुअल, वो ऑनलाइन जो है वो खेला जा रहा है। तो यह टूर्नामेंट हो रहा था और इसमें इंडिया और रसिया दोनों को जो है वो विजेता घोषित किया गया है एक साथ। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे ना 2020 का चेस ओलंपियाड कौन सा कंट्री बना है, तो अगर ऑप्शन में रसिया रहे और इंडिया ना रहे तो आप क्या बोलिएगा? रसिया आंसर है। अगर चार ऑप्शन में इंडिया रहे और रसिया ना रहे तो आपका आंसर क्या होगा? इंडिया। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है आपके ऑप्शन में रसिया और इंडिया दोनों एक साथ रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? रसिया और इंडिया दोनों। और रसिया का राजधानी क्या है? आपका मॉस्को। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? रशियन रबल। राष्ट्रपति कौन है आपका? व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गर्भवती महिलाओं के लिए दो योजनाओं को शुरू करने के लिए किस राज्य की सरकार तैयार है? अब इसका आंसर क्या है आपका? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब एग्जाम में ना आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो कि ये तो आप देखो गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत सारा राज्य सरकार ने योजना निकाला है, लेकिन योजना का नाम कम से कम आप याद रखिएगा। अगर आप सभी से एग्जाम में पूछे YSR संपूर्ण पोषण, ये योजना गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य के द्वारा निकाला गया है? तो नाम में ही आपका YSR है, तो आप क्या बोलिएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखना, योजना का नाम आपको याद रखना है। और कैपिटल क्या है आपका? अब बोलोगे भैया इस योजना के अंदर क्या है, तो क्लियर नाम में झलक रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए। आंगनबाड़ी से जितने भी पोषाहार मिलते हैं ना, उसके सहायता से भी गर्भवती महिलाओं को ब्लॉक लेवल तक सहायता किया जाएगा हर एक चीज में, ताकि उनको खाने की कमी कम से कम ना हो पाए और बच्चा और मां दोनों स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप बोल सकते हो, अप्रिसिएटेड। अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है आपका? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी के जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। जस्टिस जेके महेश्वरी, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट आपका 25। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है? विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस
स्टेट में, किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है आपका, तो नई दिल्ली। और इसको उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है आपका, तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, SBI के आर्थिक अनुसाधन विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में GDP में गिरावट कितने प्रतिशत तक का अनुमान लगाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, तो 10.9%, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और वो टाइम हो आ गया है जहां से आपको मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपका आज का पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का नाम क्या है, प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था एस्टैब्लिश बताना है, प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या यह बताना है, और इसका हेडक्वार्टर तो आपका मुंबई है मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट करवाता हूं 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति नहीं करने का वचन दिया है, और यह वचन ना राजनाथ सिंह को दिया गया है किस कंट्री के द्वारा, रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब का, 6 सितंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा, कंटेंट अगर कंटेंट में जान है तो क्लास लाइक करिएगा, वरना एग्जाम जब होगा ना मैं उस दिन पूरा खोल कर रख दूंगा, दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो बिल्कुल आप ये मत सोचो बाकी टीचर 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास करवाते हैं, 10 मिनट ना भारी पड़ेगा एग्जाम के दिन दिखाऊंगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, बाकी सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, किसी की बुराई करना बनता ही नहीं है। सो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और साथ साथ अपने देश का भी। ठीक है, चलिए।